हेलो गाइस, आज हम 7.1 एक्सरसाइज के आगे की क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन हमने पिछले वाले पार्ट में कर चुके हैं, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कोट थीटा माइनस टेन थीटा, वो प्रूफ करना है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा गुना कोस थीटा। ये ऐसा प्रूफ करके या तो इस तरीके से प्रूफ करना आ सकता है, या फिर आपके पास प्रूफ करना इस तरीके से भी आ सकता है। इससे ये भी प्रूफ करना हो सकता है और इससे ये भी प्रूफ करना हो सकता है। और हमें इसका यूज लेना है क्या, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का उपयोग है लेना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं वैसे जिस कंडीशन में जैसे पहले चले थे। कौन सी साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड, मेरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोण थीटा माइनस टेन थीटा। देखो यहां से मैंने क्या कहा था, जब आपके पास कोई फॉर्मूला सीधा नहीं बन रहा हो तो आप क्या करो, उसको साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर दो। कोट थीटा को मैं साइन और कोस के पदों में व्यक्त करूं, कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। लिख दिया। अब यहाँ पर दोनों का क्या ले लिया मैंने, दोनों का ले लिया लघुत्तम। दोनों का लघुत्तम मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। यहां से साइन थीटा से तो साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, कोस थीटा। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा। यहां से कोस थीटा कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास, साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से मैंने गुणा किया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां तक आपने सॉल्व कर दिया। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको इससे यह प्रूफ करना हो तो यहां पर देखो किसके रूप में आ रहा है, ऊपर साइन के रूप में, तो ऊपर वाले पदों को किसके रूप में बोलोगे, साइन स्क्वायर के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये तो साइन स्क्वायर के रूप में है, और यहां से सर्वसमिका का यूज करते हुए आप कोस स्क्वायर थीटा का मान लिख सकते हो। कोस स्क्वायर थीटा का मान यहां से क्या आता है, कोस स्क्वायर थीटा का मान आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो मैं कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो माइनस का एक और माइनस का एक, कुल मिला के कितने हो गए, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। एक चीज तो आपने प्रूफ कर दी, ये प्रूफ कर दिया। अगर मान लो ये नया पूछकर आपको इससे सीधा ये प्रूफ करना पूछे, तो यहां से आपको इस स्टेप को न लिखे, यहां से देखो दोनों किस रूप में है, कोस के रूप में, ये तो ये कोस के रूप में है तो पढ़ा ही है, तो इधर वाले को क्या बदले, अब इसको यहां से आगे करना पड़ेगा। तो यहां से देखो कोस तो पहले से पढ़ा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस में क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो ये माइनस का मैंने अंदर गुणा किया तो 1 तो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। तो यहां पर देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो यहां से क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। या फिर ये प्रूफ करना आपसे पूछ सकता है, इससे ये भी प्रूफ सकता है और इससे ये भी, दोनों किस प्रकार होंगे वो आपके सामने है। अभी करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, cos की पावर 4 थीटा प्लस में साइन की पावर 4 थीटा बराबर प्रूफ करना है 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, कोस की पावर 4 थीटा प्लस में साइन की पावर 4 थीटा। यहां से देखो पावर की पावर के रूप में लिख सकते हैं, मैंने पहले दे सके सर कर सके कोस स्क्वायर थीटा और इसकी होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इसकी होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहां से आपके सामने देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है आपकी याद है तो, a प्लस बी की होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने a माइनस बी की होल स्क्वायर,
वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहां से देखो मैं इस टू ए बी को इधर प्लस में इधर लेके आऊंगा तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये चीज आपके सामने है, यहां से मैं इसको माइनस टू ए बी को इस साइड में लेके आऊंगा तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा टू ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले बन गए, एक तो है ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और अगर यहां पर माइनस का तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस का। अब आपका दिमाग काम यह करेगा कि सर दो फॉर्मूले एक जैसे बन रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो कौन सा फॉर्मूला कहां काम में लेना है, वो आपके क्वेश्चन में पता चल जाएगा। यहां पर देखो टू से पहले चिन्ह किसका है, माइनस का, अगर टू से पहले चिन्ह माइनस का है तो आपको पता है कि यहां पर ये वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। और यहां पर देखो यहां पर अगर चिन्ह प्लस का हो तो सवाल की कंडीशन हमें पता चलता है कि कौन सा सवाल में कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। तो यहां पर हम फॉर्मूला काम में लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लेंगे ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, जो हम पर ए की जगह क्या चीज आएगी कोस स्क्वायर थीटा, और बी की जगह मैं क्या काम में लूंगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो कोस स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस में साइन स्क्वायर थीटा मतलब बी, और इसकी होल स्क्वायर माइनस, ये मेरे को काम इधर फॉर्मूला काम में लिया है। यहां से देखो ये चीज काम में ले ली, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं। यहां से देखो ये हो गया ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह कोस स्क्वायर थीटा और बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा। हमने कौन सा फॉर्मूला लिया है, यहां पर फॉर्मूला काम में लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी की होल स्क्वायर, यहां पर प्लस है तो यहां पर सिर्फ किसका आएगा माइनस का, माइनस टू ए बी। यहां पर आपको पता है सरसमी का फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, वन की स्क्वायर लगाओ चाहे ना लगाओ वन की स्क्वायर टू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या बचा वन माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरी कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड। यहां पर आपके पास हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आ गया आर एच एस, इस प्रकार आपने प्रूफ कर दिया। किसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हां तो गाइस अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, sec थीटा माइनस cos थीटा गुणा cot थीटा प्लस tan थीटा वो बराबर सिद्ध करना है tan थीटा गुणा sec थीटा। गाइस देखो स्टूडेंट्स ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में काफी मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हमारे दो क्वेश्चन आएंगे, शायद हो सके दोनों क्वेश्चन हमें 7.7 एक्सरसाइज पर 1 एक्सरसाइज से मिल जाए, और अथवा में दो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तीन तीन के दो पार्ट, और अथवा में भी इसके आते हैं, इसका मतलब इसके क्वेश्चन टोटल हो गए 4 क्वेश्चन हो गए तीन तीन नंबर के हमारे, तो वो देखेंगे किस प्रकार है। 13 नंबर क्वेश्चन इसकी लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे एल एच एस से, एल एच एस sec थीटा माइनस cos थीटा गुणा cot थीटा प्लस में क्या आ गया tan थीटा, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूं, मेरी कोशिश ये कि जब आपके पास सीधा कोई फॉर्मूला न बने तो आप उसको साइन और कोस के पदों में व्यक्त करने की सोचोगे, तो हम इसको साइन और कोस के पदों में व्यक्त करें तो मेरे पास यहां से देखो sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में cos थीटा, और माइनस में क्या सब है मेरा cos थीटा। यहां से देखो cot थीटा को क्या लिख सकता हूं cos थीटा बटे में क्या लिख सकता हूं मैं sin थीटा, और प्लस में इसको लिख सकता हूं sin थीटा बटे में cos थीटा। यहां से देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मैंने क्या मान लिया 1, तो इधर वाले का मेरे पास LCM आ गया, क्या आ गया cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया बचा क्या 1, इधर 1 में cos थीटा का भाग cos थीटा में भाग दिया, यहां पर गया cos थीटा को cos थीटा से गुणा किया क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, इधर LCM क्या आ गया sin थीटा cos थीटा, मेरे पास आ गया LCM sin से sin कैंसिल हो गया बचा cos थीटा, cos थीटा को cos थीटा से गुणा किया cos स्क्वायर थीटा,
इधर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा बचा, sin थीटा को sin थीटा से गुणा किया क्या गया, sin स्क्वायर थीटा। ये चीज मेरे पास है। आगे ऊपर देखो, ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस सरलीकरण का यूज लेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बचेगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया, cos थीटा। इसका मान कितना होता है, टेक नीचे क्या बचा, sin थीटा cos थीटा, क्योंकि आप जानते हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहां से देखो एक स्क्वायर से ये sin थीटा मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल। यहां पर देखो sin, यहां क्या बचा, sin थीटा बचा और नीचे क्या है, cos थीटा, और गुणा में 1 अपॉन में क्या बचा हुआ है मेरे पास, cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा आपके पास वैल्यू हो गई tan थीटा, और 1 अपॉन में cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा, और मेरे पास ये आ गया राइट हैंड साइड। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 13। इस प्रकार के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसको ध्यान से देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो। देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अब इसको प्रूफ करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों मेथड में आपको बता देता हूं। पहला मेथड है कि सारे मेरे को tan के रूप में चाहिए रिजल्ट, तो मैं सारे पदों को tan के रूप में चेंज कर देता हूं। मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूं LHS से, तो यहां पर क्या हो गया, 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहां तो ये तो पड़ा है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ गया, और यहां पर इसको लिख सकता हूं 1 cot को tan के रूप में कर दिया, तो 1 अपॉन में tan स्क्वायर अल्फा माइनस में क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। ऊपर वाला तो सेम का सेम रह गया, 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में, नीचे वाले का एलसीएम आ गया मेरे पास tan स्क्वायर अल्फा, यहां से क्या हो गया, 1 माइनस में क्या आ जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर अल्फा। ये देखो कैंसिल हो गया, सेम का सेम है, ये चीज क्या हो गई, कैंसिल, और ये ऊपर पलट के ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, tan स्क्वायर अल्फा। ये मेरी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। एक आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसका सेकंड मेथड, ये तो इसके ऊपर फर्स्ट मेथड के इस फर्स्ट कंडीशन में इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप सेकंड कंडीशन में करना चाहो कि नहीं सर मेरे को साइन और कोस के रूप में इसको चेंज करके करना है, तो यहां से देखो आप दोबारा लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, इसका सेकंड केस हो गया, सेकंड तरीका इसका, सेकंड मेथड किस तरीके से है कि यहां से देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा बड़ा बेटा, यहां से कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा, साइन और कोस के रूप में चेंज कर दिया माइनस में 1, ऊपर वाले का एलसीएम आ गया मेरे पास कोस स्क्वायर अल्फा, ऊपर हो गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये देखो बड़े बट्टा का साइन लगा दिया, नीचे वाले में एलसीएम आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा, और ऊपर बचा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो ये सेम की सेम बात मेरे पास क्या हुई, कैंसिल, और नीचे वाला पलट गया, नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा, ये साइन अपॉन में कोस क्या हो गया टेन, कोस स्क्वायर तो टेन स्क्वायर अल्फा, ये होगी राइट हैंड साइड। ये दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को आप यूज कर सकते हो, दोनों के दोनों इजी मेथड है। अब करते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार कंफ्यूज कर देता है कि स्टूडेंट को कि न तो इसमें एलसीएम लेना है न कुछ साइन कोस के पदों में चेंज करना है। इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, और इस कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए देखो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा, अब आपको देखो राइट हैंड साइड में 1 प्लस कोस थीटा ऊपर लाना है, तो ये किस तरीके से आ सकता है, जब मैं इसको अंश में क्या करूं 1 प्लस कोस थीटा का गुणा करूं, और हमारे गणित में रूल है कि जो काम हम अंश में कर रहे हैं गुणा या भाग में वो काम हमें कहां करना पड़ता है, हर में करना पड़ता है, तो मैं क्या लिखूंगा अंश व हर में
वन प्लस कोस थीटा का क्या करूंगा, गुणा करने पर मल्टीप्लाई करूंगा वन प्लस कोस थीटा का, दोनों अंश में हर में क्या रखूंगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया साइन थीटा, ये तो सेम की सेम आ गई, वन माइनस में कोस थीटा गुणा वन प्लस कोस थीटा अपॉन में वन प्लस में क्या आ गया कोस थीटा। यहां से देखो ये तो सेम का सेम रह गया साइन थीटा गुणा वन प्लस में कोस थीटा। नीचे देखो आपके पास ए माइनस बी गुणा ए प्लस डी का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो आपने पढ़ा था क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया ए माइनस बी गुणा ए प्लस डी का फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से देखो ये हो गया, अब देखो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो ऊपर तो साइन थीटा गुणा वन प्लस में कोस थीटा, नीचे देखो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा फर्स्ट सेंस में का ये दे जाएगा माइनस में जाएगा, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बचेगा एक स्क्वायर से साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल, अब बचा क्या मेरे पास वन प्लस में कोस थीटा अपॉन में क्या बचा साइन थीटा, ये मेरी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। इसी प्रकार आपने प्रूफ कर दिया एल एच एस इज इक्वल टू किसके आर एच एस। इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन, बस ध्यान में क्या है आंसर हर में इसके जो हर में संख्या है उसके विपरीत चिन्ह का आंसर हर में क्या करना है गुणा करना है। अगली बात समझ में आप करेंगे इसका 16 नंबर क्वेश्चन। देखो गाइस हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कोस की पावर सिक्स थीटा बराबर वन माइनस में थ्री साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नाइन्थ में भी हमारे इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस में कोस की पावर है सिक्स थीटा। अब देखो सिक्स थीटा है, क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन ये होगी कोई भी स्टेप हमारा गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन लंबा हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन गलत नहीं होगा अगर हमारा कोई भी स्टेप कहीं पर भी कोई स्टेप हम गलत नहीं कर रहे हैं, कोई सर्वसमिका का गलत यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि देखो साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर थ्री, पावर की पावर का गुणा होता है कोस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर थ्री। तो यहां पर देखो इसको मैं हमेशा देखो a मानता हूं और इसको b मानता हूं, तो आपके सामने एक फॉर्मूला बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब, आपके पास एक फॉर्मूला बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब, वो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b गुणा, यहां पर एक प्लस क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में, आगे भी इसमें बहुत से इस तरीके के फॉर्मूले हैं वो काम में आने हैं। तो यहां पर मैं देखो a की जगह मेरे पास क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह क्या है cos स्क्वायर थीटा, a प्लस b यूज कर लिया, देखो साथ में क्या आ गया a स्क्वायर, मतलब a की जगह मेरे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और इसकी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा और इसकी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, देखो ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने यूज में लिया, जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसके बराबर में लिख देते हैं, जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर काम में लिया है। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है वन, तो इसकी जगह तो मैंने वन रख दिया कोई, अब वन को मल्टीप्लाई करो से ना करो सीधी बात है, यहां से देखो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा इसकी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसकी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अभी वो जो पहले वाले क्वेश्चन में करके आए थे यहाँ पर देखो चिन्ह किसका है माइनस का, तो अब आपको देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है पूरे, इसको ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे हम याद आ गया आपके पास, हम फॉर्मूला काम में लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर माइनस का है, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी की
होल स्क्वायर माइनस टू ए पी वाला फॉर्मूला हमें काम में लेना है, जो फॉर्मूले हमें लिखे थे। अब देखो इसकी जगह ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी होल स्क्वायर माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में मेरा क्या है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरा समझना है। तो यहां पे इसकी वैल्यू होगी वन, माइनस का दो और माइनस का एक, देखो माइनस का दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इधर माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस के कितने हो गए तीन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरी है राइट हैंड साइड। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं और आसानी से कर सकते हैं। अब करेंगे नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। हां तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, वो हमें प्रूफ करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। हमारे 7.1 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन भी सेम का सेम है, उसमें थोड़ा सा चेंज है, उसको हम sin और cos के पदों में रूप में चेंज करेंगे और इसको मैं tan के रूप में चेंज करूंगा ताकि आपके दोनों कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखो हमारा इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। आप इसको sin और cos के पदों के रूप में भी चेंज कर सकते हो और इसको tan के रूप में भी चेंज करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं sin और cos के पदों में रूप में चेंज कर दूंगा ताकि आपके दोनों कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। अब यहां से देखो ये tan थीटा में है तो tan थीटा अपॉन में 1 अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूं cot थीटा को 1 अपॉन में tan थीटा, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन में tan थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा, यहां पर ये चीज लिख दी। अब इधर वाले का ये tan थीटा बढ़ाइए मेरे सामने, नीचे वाले का एलसीएम आपके सामने क्या आ गया, देखो इन दोनों का एलसीएम इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 लगा दिया, इन दोनों का एलसीएम मेरे पास में क्या आ गया tan थीटा। यहां से tan थीटा में 1 का डिवाइड किया कितनी बार गया tan थीटा बार, और उसको 1 से गुणा किया तो क्या आ गया tan थीटा माइनस tan थीटा में tan थीटा का डिवाइड किया 1 बार गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का से ये नीचे आ गया 1 अपॉन में tan थीटा 1 माइनस में tan थीटा, यहां पर आपके सामने ये चीज आ गई। अब ये बट्टा के बट्टा में ऊपर जाके गुणा में चला गया तो ऊपर हो गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन में tan थीटा गुणा 1 माइनस में tan थीटा, ये चीज हो गई। अब मैं आपको छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा होगा कि 4 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 1, और अगर मैं 3 में से 4 को माइनस करूं तो रिजल्ट आता है मेरे पास है -1। इसको मैं बोल देता हूं a माइनस बी और इसको मैं बोल दूंगा b माइनस a, इसको 4 को a बोल दिया और 3 को क्या बोल दिया b, तो इसका मतलब a माइनस b का रिजल्ट तो आपके सामने आया 1 और b माइनस a का रिजल्ट आया -1। यहां पर पता ये चलता है कि a माइनस b है वो बराबर नहीं होता है, इट्स नॉट इक्वल b माइनस a के। ये कौन सी कंडीशन में बराबर होगा जब मैं a माइनस b यहां पर इसको किससे गुणा कर दूंगा माइनस से, इसको बाहर से गुणा कर दूंगा तो ये किसके होगा बराबर हो जाएगा। यहां से देखो tan थीटा माइनस 1 और 1 माइनस tan थीटा, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर मैं इसको माइनस से गुणा कर दूं यहां पर तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ताकि आपको एलसीएम लेने में हमारे आसानी हो तो मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा अपॉन में, ये ऐसे कैसे आ जाएगा tan थीटा माइनस 1, यहां पर चिन्ह प्लस किसका हो जाएगा माइनस का, और इसको लिख दूंगा 1 अपॉन में tan थीटा गुणा ये देखो tan थीटा माइनस 1, और इसके आगे क्या लिखोगे a माइनस b बराबर माइनस का गुणा b माइनस 1, ये बात हमने लिख दी। अब इन दोनों का मैंने ले लिया एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया tan थीटा गुणा में tan थीटा माइनस 1, मेरे पास क्या आ गया एलसीएम। यहां से एलसीएम लिया तो ये पार्ट तो पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या tan थीटा, tan थीटा को tan स्क्वायर थीटा से गुणा किया तो tan क्यूब
थीटा माइनस, ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, बता क्या वन। अब मैं ये बात सुनो, यहाँ पर वन है तो मैं यहाँ पर एक की पावर कितनी भी करो रिजल्ट वो आएगा, वन की क्यूब भी तो कर सकता हूँ। यहाँ पर वन था और उसकी पावर थ्री कर दी तो वन की क्यूब हो गया। यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, वो लगा दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर अगर आपका चिन्ह माइनस का तो यहाँ पर किस जाएगा प्लस का, तो ए माइनस बी मतलब एन थीटा माइनस ए, यहाँ पर ए स्क्वायर एन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर वन माइनस ए बी वन गुणा टेन थीटा मतलब सीधा टेन थीटा आ गया, और ये चिन्ह किसका आएगा प्लस का। यहाँ पर अपॉन में क्या आ गया टेन थीटा और टेन थीटा माइनस ए साइड में, इससे किसका फॉर्मूला लिखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखोगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला लिखोगे। तो ये पार्ट देखो मेरे पास पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, देखो टेन स्क्वायर थीटा में टेन थीटा का यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो टेन स्क्वायर थीटा में टेन थीटा का डिवाइड करूंगा, अलग लिख रहा हूँ उसमें, वन अपॉन में क्या आ जाएगा टेन थीटा प्लस में टेन थीटा अपॉन में भी क्या आ जाएगा टेन थीटा। ये देखो एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बचा गया यहाँ पर टेन थीटा वन अपॉन में टेन थीटा मेरे पास, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया कोट थीटा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया बचा क्या वन, ये मेरी है राइट हैंड साइड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किसके रूप में चेंज किया, टेन के रूप में ही चेंज करके हमने रिजल्ट निकाल दिया। और जो क्वेश्चन नंबर 20 आएगा उसको हम साइन और कोस के पदों में रूप में चेंज करेंगे, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपके आसानी से क्लियर है और सके, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को अब आप देखो, साइन थीटा गुणा वन प्लस में टेन थीटा प्लस कोस थीटा गुणा वन प्लस में कोट थीटा बराबर सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। तो आपको क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा गुणा में वन प्लस में क्या है टेन थीटा, कोस थीटा गुणा में वन प्लस में क्या है आपके पास कोट थीटा। यहां से अब आप देखो साइन और अंदर वाले को इसको रख दिया ऐसा का ऐसा, अंदर वाले को वन अपॉन वन प्लस में क्या आ गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर दिया कोस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो वन प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बेटा कोस थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बेटा साइन थीटा, ठीक है। अब आगे का नेक्स्ट काम करते हैं, इधर वाले में देखो हमारे पास साइन थीटा, इसका अंदर का एलसीएम ले लेते हैं कोस थीटा, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ गया कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस का चिन्ह कोस थीटा, और इधर भी अंदर वाले में मेरे पास एलसीएम आ गया साइन थीटा, और क्या आ गया साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। देखो ये अंदर की दोनों वैल्यू सेम है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है 2 प्लस 3 भी कितने होते हैं 5 और 3 प्लस 2 भी कितने होते हैं 5, तो इन दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से देखो इन दोनों पार्ट्स में, ये पार्ट्स में और ये पार्ट्स में मेरे पास कॉमन आ रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो मैंने कोस थीटा प्लस में साइन थीटा तो ले लिया कॉमन, यहां से बचा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये साइन बच गया, ये नीचे वाला कोस प्लस का चिन्ह कोस थीटा अपॉन में साइन में थीटा, ये चीज मेरे पास बची। यहां से कोस थीटा प्लस साइन थीटा तो मेरे पास जो कॉमन आया था वो पड़ा ही, इधर में से मेरे पास एलसीएम आ गया कोस थीटा साइन थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो गया बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया बचा क्या कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको सरलस्विका से तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, इसका मान हो गया मेरे पास 1, तो अब बचा क्या मेरे पास कोस थीटा प्लस में साइन थीटा और अपॉन में ये चीज बची है कोस थीटा साइन थीटा, ये चीज बची है, और क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1।
अब मैं इसका अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा गुणा साइन थीटा, प्लस का चिन्ह साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा गुणा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। वन अपॉन में साइन थीटा क्या आ गया, कोसेक थीटा, यहाँ पर वन अपॉन में कोस थीटा क्या आ गया, सेक थीटा, ये मेरी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, हमारे पास वही हमारे मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड से चलना, साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस थीटा, प्लस में टेन थीटा गुणा साइन थीटा, प्लस कोस क्यूब थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इस पद को और इस पद को पास पास लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा, और इसको मैं साइन कोस के रूप में चेंज कर दूंगा, क्या आएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और गुणा में क्या है साइन थीटा। यहां से इन दोनों पदों में से आपके पास एक चीज कॉमन आ रही है, वो कॉमन क्या है, इसमें से कोस थीटा और इसमें से भी कोस थीटा, मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में एक कोस थीटा, तो बाहर आ गया बचा क्या कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह साइन को साइन से गुणा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या गया कोस थीटा। यहां से इसकी वैल्यू तो होगी वन, मेरे पास यहां क्या बच गया कोस थीटा, और प्लस में यहां पर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया कोस थीटा, जो कि देखो सर्वस्मी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास है वन। यहां से इसके अपॉन में कुछ नहीं है, वन लगा दिया, इधर का एलसीएम आ गया कोस थीटा, इधर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से इसकी वैल्यू कितनी हो गई 50, तो ये क्या बचा वन अपॉन में कोस थीटा, किसका व्युत्क्रम है सेक का, ये मेरी है राइट हैंड साइड, इसलिए एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस, ये आपने क्या कर दिया क्वेश्चन को प्रूफ पे कर दिया। अब करेंगे इसका नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, देखो गाइस हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन 1 माइनस में tan थीटा। 17 नंबर क्वेश्चन में भी हमारा सेम की सेम चीज चली थी, लेकिन उसमें tan के रूप में प्रूफ करना था, तो हमने सारे पदों को tan के रूप में ले लिया, लेकिन यहां पर sin और cos के रूप में cosec के रूप में आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा पदों को sin और cos के रूप में चेंज करूंगा। अब वहां भी sin और cos के रूप में चेंज करके कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें क्वेश्चन सॉल्व होता था, और इस तरीके से भी करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना किस तरीके से कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस में क्या आया tan थीटा। यहां से देखो इसको साइन और कोस के रूप में क्या ऊपर आ गया साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया मेरे पास कोस थीटा, बड़ा बेटा इधर 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा, प्लस का चिन्ह इधर क्या लिख दूंगा मैं कोस थीटा अपॉन में क्या आ गया मेरे पास साइन थीटा, बड़ा बेटा 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में मेरे पास क्या आ गया कोस थीटा, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, ऊपर वाला सेम का सेम कुछ चेंज होना नहीं है, साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया कोस थीटा, बड़ा बेटा नीचे वाले का एलसीएम मेरे पास आ गया साइन थीटा, तो यहां देखो 1 में डिवाइड किया साइन थीटा टाइम गया, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इधर क्या आ गया प्लस का चिन्ह, ऊपर वाला सेम का सेम कोस थीटा अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा, बड़ा बेटा नीचे वाले में एलसीएम मेरे पास क्या आ गया कोस थीटा में 1 का डिवाइड किया कोस थीटा माइनस में क्या आ गया साइन थीटा। देखो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, अब मैं क्या करूं, अब मेरा नेक्स्ट है मैं इसको ले जाता हूं पलट, ये बड़े बेटे की जगह चीज किसका कर दूंगा गुणा को, बाद वाली संख्या को क्या कर दूंगा पलट दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करूंगा, देखो ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
ये चीज बड़ा में है, नीचे आ जाएगी cos थीटा और गुणा में आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ये चीज इस टाइप से होता है। यहां पर देखो, इसको देखो, a अपॉन में b और c अपॉन में d बड़ा बट्टा है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, a अपॉन में b इस चीज का चिन्ह देंगे गुणा का और ये हो जाएगा d अपॉन में c। इस तरीके से मैंने ये काम है किया है, इसको ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। प्लस का चिन्ह चेंज किया, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा गुणा में cos थीटा माइनस sin थीटा। जैसे यहां किया वैसा का वैसा यहां करेंगे। अब वो देखो a माइनस b और ये क्या है b माइनस a वाली टर्म, इसको भी मैं a माइनस b बनाऊंगा तो यहां पर चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, तो वो जो पीछे वाले सवाल में किया था वो काम यहां पर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये तो सेम का सेम, यहाँ पर चिन्ह प्लस किसका क्या कर दूंगा माइनस का, और यहाँ पर होगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसको भी क्या लिख दूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये चीज हो गई। अब इन दोनों में से देखो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया, ये तो दोनों आएंगे साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये तो एलसीएम में आ गए, और यहां पर दोनों सेम हैं तो गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये भी मेरे पास एलसीएम के साथ में आ गया। अब इतना पार्ट तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन थीटा, उसको स्क्वायर से गुणा किया तो साइन क्यूब थीटा से माइनस का, ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, बचा क्या कोस थीटा को स्क्वायर से गुणा किया तो कोस क्यूब थीटा, ये मेरे पास। फिर से देखो a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला बताया था, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। यहां पर देखो ये सेम का सेम फॉर्मूला लगा दो इधर, a माइनस b मतलब sin थीटा माइनस cos थीटा, ये पार्ट आ गया, a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, प्लस ab मतलब sin थीटा cos थीटा, ये पार्ट यहां से इतना पार्ट ये आ गया। नीचे वाला ये है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, देखो ये सेम का सेम कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई वन प्लस में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, साइन थीटा गुणा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब मैं इसका अलग अलग डिवाइड करूं तो एक बार वन अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा गुणा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, ये देखो व्युत्क्रम में जाएगा तो वन अपॉन में साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और वन अपॉन में कोस थीटा होता है सेक थीटा, इसकी वैल्यू भी वन, और मेरी है ये राइट हैंड साइड। इस तरीके से मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम 7.1 एक्सरसाइज के 21 से लेके 30 क्वेश्चन तक पूरे सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 नेक्स्ट पार्ट में पूरी हो जाएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स के कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी के साथ आप लगे रहें, कंटिन्यू मेहनत करें। जय हिंद जय भारत।